हाल ही में हमने यह पाया कि चीन में एक बीमारी फैल रही है जिसका कारण कोरोना वायरस नाम का वायरस है। इसके फैलने की गति इतनी ज्यादा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हेल्थ इमरजेंसी लागू कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में उसके फैलने का कारण और उससे कैसे बचा जाए वह बताने वाला हूँ। यह वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है इसलिए इसे पूरा देखें और अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को शेयर करें। एक महीने पहले चाइना के वुहान शहर में एक इंसान ने डॉक्टर से शिकायत की कि उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उसका नाक बह रहा है। डॉक्टर ने उस मरीज को देखा तो उस इंसान में लक्षण पाए गए निमोनिया नाम की बीमारी के, पर अचानक से उस शहर में निमोनिया के 41 केसेस आ गए और बाद में पता चला इन सभी को निमोनिया होने का कारण कोरोना वायरस है। कोरोना वायरस को 1960 के दशक में पहली बार इंसानी शरीर में पाया गया था। यह वायरस चमगादड़, ऊंट और कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स को अफेक्ट कर सकते हैं। कोरोना वायरस कई सारे वायरस का एक ग्रुप है। अगर इस वायरस से कोई ग्रस्त हो जाता है तो उसमें कई सारे लक्षण दिखते हैं। कोरोना वायरस के सबसे बड़े लक्षण हैं खांसी, नाक बहना, बुखार, सांस फूलना, यहाँ तक कि उल्टी, डायरिया, चक्कर मारना भी इसके लक्षण हो सकते हैं। कई सारे लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त होने के बाद भी बच जा रहे हैं। उनमें से ज्यादातर युवा हैं जिनका इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग है। वहीं कमजोर इम्यून सिस्टम वाले जैसे कि बच्चे, बूढ़े, वह सब इस वायरस के शिकार होने से धीरे धीरे उनकी कंडीशन खराब होती जा रही है और उन्हें ब्रोंचाइटिस और निमोनिया जैसे खतरनाक इन्फेक्शन हो जा रहे हैं। हम थोड़ा ब्रोंचाइटिस और निमोनिया के बारे में जान लेते हैं। ब्रोंचाइटिस बीमारी में क्या होता है? हमारे फेफड़े में नाक और मुंह से ऑक्सीजन को अंदर लेने के लिए एक ट्यूब है जिसे ब्रोंकियल ट्यूब कहा जाता है। इसी ट्यूब के माध्यम से शरीर के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। ब्रोंचाइटिस में ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे कि हवा को शरीर में अंदर बाहर होने में परेशानी होती है और इन्फ्लेमेशन ज्यादा होने के कारण इंसान मर भी सकता है। और कोरोना वायरस ब्रोंकियल ट्यूब में इन्फ्लेमेशन बहुत ही ज्यादा कर दे रहा है। वहीं हम थोड़ा निमोनिया के बारे में जान लेते हैं। निमोनिया होता क्या है? हमारे फेफड़े की जिस थैली में हवा स्टोर होती है उसमें निमोनिया के कारण उसके अंदर लिक्विड पस भर जाता है जिससे कि लंग्स में हवा स्टोर नहीं होता या फिर कम स्टोर होता है। यह बीमारी बच्चों और 65 वर्ष से ज्यादा के लोगों के लिए जानलेवा है। अब ये जान लेते हैं कि कोरोना वायरस चाइना में कैसे फैला। इसका कारण था ह्यूनान सी फूड मार्केट से खरीदा गया सी फूड। उस सी फूड में कोई जानवर कोरोना वायरस से ग्रस्त होगा और किसी इंसान ने उस जानवर को खा लिया होगा। कोरोना वायरस का पहला केस चाइना में 2019 के दिसंबर महीने में देखा गया और मैं आपको बता दूं कि उसके बाद से यह बीमारी सब पर हवा के माध्यम से फैल रही है। अगर कोई इंसान कोरोना वायरस से ग्रस्त है और वह छींक दे तो उसके 2 मीटर रेंज में जितने भी इंसान होंगे उन सभी में कोरोना वायरस फैल जाएगा। यह वायरस हवा के माध्यम से फैल रहा है। 2002 में भी चाइना में इसी तरह कोरोना वायरस फैला था जिसने 800 लोगों की जान ले ली थी। और हाल ही में जब से कोरोना वायरस फैला है तो 12,024 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। वहीं 12,024 लोगों में से 11,861 लोग चाइना के हैं। इससे 260 चाइनीज मारे जा चुके हैं। डॉक्टर्स को अभी तक कोरोना वायरस का एग्जैक्ट इलाज नहीं मिला है इसलिए हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए कुछ सावधानी बरतनी होगी। तो चलिए मैं आपको कोरोना वायरस से बचने के कुछ टिप्स देता हूँ। अपने हाथ को हर घंटे 2 घंटे में 20 सेकंड तक एक बार अच्छे हैंड वॉश से जरूर धोएं। अपने मुंह, आंख, नाक, कान को बिना हाथ धोए न छुए। बीमार लोगों के कांटेक्ट में ना आए। अगर आप बीमार हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। किसी के सामने न खांसे और कोई खांसने वाला हो तो उससे 5-10 मीटर दूरी बना लें। अगर आपको सर्दी या खांसी आ रही हो तो टिश्यू का इस्तेमाल करें और यूज करने के बाद टिश्यू को यहाँ वहाँ न फेंकें, सही जगह में फेंकें लाइक डस्टबिन में। अपने कपड़े, बेडशीट, तकियों को साफ रखें, गंदी चीज़ों के संपर्क में न आए और उनसे दूर रहें। ये चीज़ करने से आप कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। वैसे भारत में भी यह बीमारी फैल चुकी है। अभी तक भारत में 2 लोग कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं तो इस बीमारी से बचना ही अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तो इसे अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें।